अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हियर। मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। इसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो मूली कद्दूकश की है। उसके बाद हमने धनिया पुदीना और हरी मिर्च काट ली है, वो भी आप हसबे ज़रूरत ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1.5 टी स्पून मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया है, नमक हसबे जायका ले सकते हैं, हल्दी जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, और सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा, मेरे क्योंकि हरी मिर्चें भी नहीं है इसलिए मैंने ये कम लिया है, आप चाहें तो इसे ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, और नमक भी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अभी मूली को हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। मूली के पानी को निचोड़ के हम उसमें डालते जाएंगे अलग डोंगे में। देखिए मूली का पानी ये निकल आया है, हमने निचोड़ के उसको इसमें डाल लिया है। देखें अब हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। मूली को हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, अब सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे हम। सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा है और सूखे धनिए का पाउडर, हरी मिर्चें, धनिया, ये सब। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, मूली और सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। अब इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, नमक ऐड करके अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे। आटा जो है जिस तरह से नॉर्मली हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंदना है। आटे को गूंद के उसके दो पेड़े बना लेने हैं, और आटा जो है जिस तरह नॉर्मल आप पराठे बनाते हैं उसी तरह से गूंदें। अब हमने इसके दो पराठे बनाने हैं। इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे हम। एक रोटी को हमने इतना बेल लिया है, अब हम दूसरी को बेल रहे हैं। आप देखें हमने दोनों रोटियों को बेल लिया है, अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। हाथ से अच्छी तरह घी को आप फैला लें रोटी पे। अब इसमें हमने जो मूलियां कद्दूकश की हैं वो फिल करेंगे। देखें देखिए अब इसको अच्छी तरह से फिर से हम बेल लेंगे। साइडों से हाथ से दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब ये रोटी बन गई है, अब हम इसे तवे पे डालेंगे। देखिए गोल, बिल्कुल गोल पराठा बना है, नीचे घी लगा के ये ऊपर रोटी आपने डाल दी है। अभी जब नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगी फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। देखिए एक तरफ से थोड़ा ये पक गई है तो इसे फ्लिप किया है।
गाइस मज़ेदार मूली के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। देखें कहीं से भी मसाला बाहर नहीं निकला, बहुत ही मज़ेदार रेडी हैं। आप इसे दही के साथ, दही की चटनी के साथ, लस्सी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।